हेलो गाइस, ये मैं हूँ और आज मेरे साथ है सपना मैम और आज हम इस साइट को विजिट करेंगे। कैसे हो मैम आप? बढ़िया बढ़िया सर। देखो, मेरा नाम सचिन सैनी है और आज मेरे साथ है सपना मैम और आप इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस देखते रहते हो बट लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी साइट लेके आया हूँ जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो हम मैम से ही जानेंगे कि इस प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स होंगे आपको। तो मैम, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? मुझे 9 ईयर हो गए हैं रियल एस्टेट में ही। हाँ जी। और RBH ग्रुप में मैं जॉब करती हूँ। ये RBH ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है जो नया आ रहा है, हाईवे प्लाजा के नाम से। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे 2BHK एंड 1BHK फ्लैट आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैम आप इसकी लोकेशन बता दें कि कौन से रोड के साथ। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल शानदार रोड यहाँ पे चल रहा है, हाईवे चल रहा है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार रोड दिखा दें, ये हाईवे कौन सा जा रहा है यहाँ पे मैम? ये नेशनल हाईवे है, ये कुराली को भी जाता है आगे, इससे आगे लुधियाना रोड पे जाता है, ये हिमाचल को भी जाता है। अगर हम इस साइड चले जाएं तो जीरकपुर वाली साइड जाता है, अंबाले वाली साइड जाता है, तो सभी जगह को कनेक्ट करता है ये नेशनल हाईवे है जो। तो मैम देखो, बारिश आ रही है बट लेकिन हम आपके लिए वीडियो पूरी बना के जाएंगे। तो नेशनल हाईवे के साथ जैसे मैम ने आपको सारी नॉलेज दी और जैसे हम नेशनल हाईवे के साथ में ही आऊँगे इस साइड देख पा रहा हूँ ये किस चीज़ के लिए स्पेस छोड़ा है इन्होंने। कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाते रहें सारी चीजें साथ साथ। कमर्शियल साइड है जी, शोरूम आ रहे हैं, 100 स्क्वायर यार्ड के शोरूम है ये। ठीक है, 15x60 के शोरूम है। यहाँ पे होटल भी आएगा, रिटेलर शॉप्स भी आएंगी, तो डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ही आपकी सारे क्लाइंट्स को मिल जाएंगी। जो अंदर फ्लैट्स लेंगे उनको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये एरिया पार्किंग के लिए रहेगा? 100 फीट वाइड आपकी पार्किंग रहेगी। जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी भी है तो कैमरामैन से गुजारिश करूँगी साथ साथ चलते रहें क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही है। तो मैम, जो हमारी साइट है वो किस चीज़ के लिए है? वो सारे 1BHK सिंगल रूम है, 1BHK फ्लैट बन रहे हैं, 60 स्क्वायर यार्ड में है वो। ठीक है, ठीक है, वो 1BHK हैं और ये 2BHK हैं, सारे 2BHK। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं हम, ये सारा एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम खड़े हैं 2BHK की मतलब जो ये फ्लैट है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैम यहीं से स्टार्ट करते हैं हम इसको विजिट करना। हाँ जी, तो चलिए मैम बताइए। हाँ जी, ये 112 गज के फ्लैट है। हाँ जी, ठीक है, हम एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अंडर स्टोरेज दी है, वाटर स्टोरेज यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों फ्लैट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आपकी मोटर आ जाएगी, तो जब भी आपके किसी भी फ्लैट वाले को दिक्कत आएगी पानी की तो मोटर ऑन करके वो अपनी टैंकी रिफिल कर सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये वाटर टैंक एक बार हाईलाइट कर दें। और मेन बात क्या है कि ये जो वाटर टैंक की कनेक्शन रहेगा ये तीनों फ्लोर के लिए यहीं से जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस साइड वहाँ पे इन्होंने कनेक्शन ऑलरेडी दे दिया गया है। कितने गज के अंदर मैम ये एक फ्लैट? ये 112 गज में है सर। 112 गज के अंदर। तो मैम चलें आगे, बताएं हमें। तो इस साइड से एंट्री सर। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे हम एंटर कर जाएंगे। आगे ये सारा ड्राइंग रूम एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है जी। और मैम आप जो सोफा सेट आ जाएगा, मैम जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट होते हैं हाँ उनकी खास बात के बारे में क्या बताना चाहोगे कि खास बात क्या? खास बात ये है सर, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई भी बुकिंग करवाता है तो उसको बेसिक प्राइस में अच्छे रेट में मिल जाता है फ्लैट। जैसे जैसे ये कंप्लीट होते चले जाते हैं फ्लैट तो हम रेट रिवाइज करते चले जाते हैं। जब तक ये पोजेशन पे जाना है 2-3 लाख का डिफरेंस आ जाएगा इसके प्राइस में। जो आज के टाइम में बुक करवाता है तो उसको वही फायदा रहता है, बेनिफिट रहता है उसको। एक फायदा तो मैम ने ये बता दिया कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट होते हैं उनका जो रेट है वो गारंटी है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट उसके अलावा अगर जो कोई अपने अकॉर्डिंगली फ्लोर को या फिर किचन को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवाना चाहता है मैम, वो सुविधाएं भी उपलब्ध है? कस्टमाइज आप करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो टाइल्स का कलर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, सनमाइके का कलर हो गया, किचन में कौन सा आपने सनमाइका चूज करना है, अपने फर्नीचर के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करवा सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट होते हैं उस पर ये बेनिफिट होता है। अच्छा, अगर जो मैं क्वालिटी की बात करूँ जैसे कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे जो बेसिक से बात करें ये ब्रिक्स बताइए ये कौन सी क्वालिटी? नंबर 1 ब्रिक यूज की हुई है हमने। हाँ जी। पिलर आपके सामने है, सारी कंस्ट्रक्शन पिलर बेस पे है, यहाँ पे कोई भी आपको विदाउट पिलर बेस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमने यहाँ पे चुगाठे जिनको बोलते हैं वो हमने ज्वाइंट लेस यूज की हुई है। ज्वाइंट लेस? हाँ जी। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होता है? सिंगल आपको ज्वाइंट नहीं मिलेगा उसके अंदर। ओके, ओके। ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग टर्म रहती है फिर। ठीक है, वो लकड़ी की होती है या स्टील की? नहीं, हमने CBVC यहाँ पे सारी जो चुगाठे है वो यूज की हुई है। ठीक है, ठीक है। जिसको ना जंग लगे ना दीमक लगे। ओके ओके, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है पूरे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और ये हम देख पा रहे हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये सारा का सारा ड्राइंग रूम एरिया है, वहाँ पे आपका सोफा सेट आ जाएगा, इस साइड आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा किचन के सामने। ये किचन है, आप देख सकते हैं कितनी खुली डुली किचन है, डबल स्लैब आएगी इसकी
दोनों साइड पे, वहाँ पे सेंटर पे आपका वॉश बेसिन आ जाएगा। अच्छा, वो उस साइड मैं एरिया देख रहा हूँ, वो विंडो के लिए है? हाँ जी, विंडो रहेगी वेंटिलेशन के लिए। इस साइड में भी विंडो रहेगी? हाँ जी, ये कॉर्नर है तो इसकी इस साइड भी विंडो आ जाएगी। ठीक है, और इस साइड में ये बेडरूम आ गया इसका, मास्टर बेडरूम। अच्छा, एरिया कितना रहेगा बेडरूम का? बेडरूम का साइज इसका 12x13 का रूम साइज है। अच्छा, विद अटैच वॉशरूम? हाँ जी, विद अटैच वॉशरूम। और पीओपी डिजाइन, ऊपर सीलिंग, फॉल सीलिंग? पूरे फ्लैट में फॉल सीलिंग रहेगी इसमें। ठीक है, मॉडुलर किचन बना के देंगे, दोनों बेडरूम में आपके कवर्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, ये सैनिटरी फिटिंग सारी आपकी ब्रांडेड रहेगी, सारा इसमें कंप्लीट वर्क हम करवा के देंगे। फुल्ली फर्निश होगा ये? सेमी फर्निश दे रहे हैं सर। ठीक है। हाँ, और अगर जो कोई चाहता है कि उसको फुल्ली फर्निश चाहिए, टाइम की शॉर्टेज है, तो वो अवेलेबिलिटी? वो हम कर देंगे सर। ओके जी। और हाँ, इस साइड में ये सारा का सारा ड्राइंग रूम एरिया, और इसके हाँ, सामने एक और रूम है ये? हाँ जी। ठीक है जी, बेडरूम इस साइड आ गया, एक बेडरूम इस साइड है, इसके साथ ये कॉमन वॉशरूम आ गया, प्लस इस बेडरूम के साथ अटैच भी है ये। ठीक है, उस साइड से? ठीक है, ठीक है। तो इसका ये एरिया, मतलब इसके जो गेट रहेगा वो बाहर की साइड भी रहेगा? हाँ जी, जो ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, उसका बाहर से भी एंट्रेंस है, इधर से भी है, दो टू साइड से एंट्रेंस है इसकी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और ये अटैच वॉशरूम इसके साथ हमें मिल? हाँ, जाता है। फर्स्ट तो, और सेकंड फ्लोर में बालकनी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं देख रहा था, जो चौखटे होती हैं, वो यहाँ पे लगी भी हुई है? हाँ, सारा ये मटेरियल होगा? एक बार कैमरा मैन थोड़ा नजदीक से दिखा दें, क्योंकि देखो जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स होते हैं, उनकी सबसे खास बात यही होती है कि हम उन्हें बारीकी से पहले ही देख सकते हैं। मान लो कोई फ्लैट बन गया, उसको तो पता नहीं उसके अंदर कैसा मटेरियल यूज हुआ है। और मैम, यहाँ पे सीमेंट कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं? अंबुजा सीमेंट यूज हुआ है जी सारा। ओके, ठीक है, हमने किसी चीज में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हर एक चीज ब्रांडेड यूज की हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और एक खास बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे जो इसका कंस्ट्रक्शन का मतलब लोकेशन है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, इस लोकेशन पे आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन करवा के। अच्छा, बाहर का जो डिजाइन है, इंटीरियर का तो डिजाइन जैसे इंसान अपनी मर्जी से करवा सकता है, बाहर का जैसे अपने पर्सनल फ्लैट के लिए करवा सकते हैं? नहीं नहीं सर, वो हमने ऑलरेडी डिसाइडेड है, वही रहेगा फ्रंट जो एलिवेशन है। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी ब्रोशर पे भी प्रिंट आउट करवाया हुआ है, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो बाहर का जो डिज़ाइन होता है वो एक स्पेशल थीम के साथ डिज़ाइन किया जाता है, जिससे जितने भी फ्लैट्स हैं ताकि उनका जो थीम है वो सभी अप्रोक्स मतलब सेम रहे, तो इस हिसाब से वो रहेगा। बट लेकिन इंटीरियर आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं, या फिर चेंज नहीं मतलब पहले ही कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना आए। जो बने हुए फ्लैट होते हैं उनमें तो जैसा बन गया उसमें अगर जो आप तोड़फोड़ करवाओगे तो फिर उसमें आपका खर्चा भी होगा, और फिर वो बात भी नहीं बन पाती जो एक लगातार फ्लैट बनते हुए मतलब एक फ्लो बनाता है। तो अभी आप वो सारी चीज़ें करवा भी सकते हो, और काफ़ी सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे हो जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करवा सकते हो, और पैसे का आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे इन फ्यूचर। जैसे आपको पता ही है कि जब ये पूरा बन जाएंगे तो आपको नो डाउट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, 101% गारंटी के साथ। ठीक है जी, तो देखो बेनिफिट तो बनने जो बाद पहले बने होते हैं उनका भी होता है, बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ये थे 2BHK फ्लैट, अभी हम जा रहे हैं 1BHK की तरफ, अभी आपको हम 1BHK भी दिखाते हैं। हाँ जी गाइस, तो वो था हमारा मेन रोड, और ये बीच में बन रहा है कमर्शियल एरिया, और उस साइड में वो जो अभी मैंने आपको दिखाया वो था 2BHK के फ्लैट्स जो अभी सारे बने हुए हैं, और अभी हम इस साइड आ चुके हैं 1BHK के फ्लैट्स की साइड। जितने भी मतलब अभी जो फ्लैट है वो अभी बुक करवा सकते हो आप, जैसे अभी कई बार क्या होता है लोकेशन भी बढ़िया है, रोड के साथ है ना, कमर्शियल की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पार्किंग का भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट लेकिन होता क्या है, जब फ्लैट बिकने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो कॉर्नर वाले सबसे पहले सेल हो जाते हैं। हालांकि रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट लेकिन बाद में फिर लोग सोचते हैं यार इतनी बढ़िया लोकेशन थी, काश कॉर्नर पर मिल जाता। तो अभी आपके पास मौका है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अपनी बुकिंग अभी करवा लें, या फिर जानकारी ले लें कि किस लोकेशन पर, अगर जो आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो। तो अभी हम 1BHK के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हमारे साथ सपना मैम है, आपके सपने के घर के लिए, तो मैम 1BHK के बारे में बताएं हमें। हाँ जी, ये 60 square yard में है हमारे 1BHK जो फ्लैट है, ये सिंगल रो फ्लैट है, फ्रंट पे रोड आ जाएगी 35 feet वाइड, उसके बैक पे है गिलको की पार्किंग। ठीक है, टू साइड ओपन है तो वेंटिलेशन पूरी रहेगी इसमें, सेम एज इट इज़ जैसे 2BHK में हम अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज दे रहे हैं, वैसे सेम 1BHK में भी हम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे इन्होंने फ्रंट में ही अंडर वाटर स्टोरेज दे दिया है, इसकी वजह से जो पपड़ी आ जाती है दीवार में पेंट के ऊपर, उसका क्या सोल्यूशन किया आपने? सर, इसके अंदर प्रॉपर टाइल्स वर्क होगा। ठीक है, प्रॉपर इसको वाइंड अप करके हम फिर कवर करके देंगे, उससे कहीं पे भी कोई सीलन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइल लगा के दे रहे हैं गाइस, ये बहुत ही मतलब
रेयर बात होती है कि टाइल भी अंदर की तरफ लगा के दे। और पार्किंग के बारे में जैसे 1 BHK का होता है मोस्टली सीन मैंने देखा है कि पार्किंग की बहुत परेशानी आती है ना, तो पार्किंग का क्या सोल्यूशन? सर ये सिंगल रो फ्लैट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे फ्रंट पे शोरूम की बैक साइड है। हाँ, तो शोरूम मैं इनसे गुजारिश करूंगा एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दें शोरूम की बैक साइड। हाँ ये शोरूम, यहाँ पे शोरूम है। हाँ जी, शोरूम की बैक साइड पे हमेशा 5 फीट की सर्विस लाइन रहती है, वो भी रहेगी, वहाँ पे भी हम पार्किंग यूज कर सकते हैं। फ्लैट सिंगल रो है तो इस साइड तो पार्किंग है, इसकी उस साइड भी पार्किंग है। ओके, तो यहाँ पे तो पार्किंग की दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप 3 गाड़ियों की बजाय 6 गाड़ियाँ लगा लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे पार्किंग की। तो पार्किंग की प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी सॉल्व हुई मिल रही है आपको ऑलरेडी, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रोड के बिल्कुल नजदीक है, मैं देख पा रहा हूँ इतना मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से रोड का, मतलब मजेदार। ये मेन एंट्रेंस आ गई, ठीक है, यहाँ पे एंटर करते ही ये सारा ड्राइंग रूम एरिया आ जाता है इसमें। okay. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क क्वालिटी वैसे ही मिलेगी जैसे 2 BHK में है, सब कुछ नहीं है कि 1 BHK बना रहे हैं तो इसमें हम पिलर बेस नहीं है, कंस्ट्रक्शन एज इट इज वैसे ही रहेगी, पिलर बेस है और 1 ब्रिक यूज हुई है, सारा वैसे मटेरियल यूज हुआ इसमें। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे किचन आ जाएगी, 1 BHK की इतनी स्पेशियस किचन कोई नहीं देता, ठीक है, आप देखते होंगे साइड पे छोटी किचन दे देते हैं, यहाँ पे हम खुली डुली बड़ी किचन दे रहे हैं 1 BHK में। गाइज ये बात तो मैं भी बिल्कुल अच्छे से नोट कर पा रहा हूँ कि जो किचन का स्पेस आप देख पा रहे हो इतनी 1 BHK के अंदर इतनी खुली किचन मैंने आज पहली बार देखी है और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी जब ये बन जाएगा। और इस साइड जो हम खड़े हैं अभी ये ड्राइंग एरिया है, कितना खूबसूरत। मैम इस साइड 1 BHK है फ्लैट तो यहाँ पे सोफा सेट आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, छोटा डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डाइनिंग टेबल का जो होता है छोटा आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पे लग जाएगा, इस साइड सोफा सेट लग जाएगा। इवन कि 1 BHK में हम सोफा कम बेड लगा के इसको रात को एज ए बेडरूम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम है ये, ठीक है, इस साइड इसकी कबर्ड आ जाएगी और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम आ गया, वो वॉशिंग एरिया आ गया। ओके ओके, 1 BHK के साथ गाइस आपको वॉशिंग एरिया भी मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, और फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर पे आगे पीछे बालकनी आ जाती है और आप देख सकते हैं इसके बैक साइड खुला एरिया है। हाँ जी, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार जरूर दिखाएं, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ये चीज़, क्योंकि 1 BHK ऐसा लग रहा है कि एक इंडिपेंडेंट कोठी हो, क्योंकि आगे पीछे से ये ओपन है, बहुत ही अच्छी खुला हवादार रहने वाला है। कई बार क्या होता है जैसे 1 BHK होता है तो वो कंजेस्टेड सा होता है, बट लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, किचन भी आपने देखा कितना खुला है और ये 1 BHK है। और कई बार क्या होता है जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है लाइफ में, तो आप क्या कर सकते हो जो बाहर का जो ड्राइंग एरिया है उसको भी एज ए रूम यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, जरूरी नहीं है कि आपने सोफा ही लगाना है ना, आप उसको एज ए रूम भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है जी। तो ये था हमारा 1 BHK फ्लैट और 2 BHK भी आपने देख लिया, 1 BHK भी आपने देख लिया, लोकेशन आपने देख लिया, लोकेशन एक बारी लास्ट में मैम दोबारा जान लेते हैं लोकेशन। हाँ जी, ऑन रोड है ये, आप जैसे देख सकते हैं नेशनल हाईवे है ये, ये कुराली को भी कनेक्ट करता है, हिमाचल को भी कनेक्ट करता है, लुधियाना को भी कनेक्ट करता है, अगर हम इस साइड चले जाएं अम्बाला जीरकपुर दिल्ली सभी जगह को कनेक्ट करता है। तो कोई भी क्लाइंट जहाँ से भी बिलोंग करता है ऑन रोड की ये प्रॉपर्टी है, कोई भी कैन बुक कर सकता है इसको आके। मैम से हम एक बार ना प्राइसेस के बारे में भी जान लेते हैं कि अभी जो करंट है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, तो अभी जो करंटली इसका प्राइस की डिमांड क्या चल रही है? सिर्फ फ्लोर वाइज है, इसका टॉप फ्लोर है वो 1790 का है, फर्स्ट फ्लोर 1890 का है, ग्राउंड फ्लोर 1990 का है, जो अभी के लिए रेट है। जैसे जैसे ये रेडी टू मूव में जाएंगे तो हम इसके रेट रिवाइज करते चल जाएंगे। और गाइज अभी तो आपको इस प्राइस में मिल रहा है और जब ये बन के रेडी हो जाएंगे तो इनका 2-2.5 लाख रुपए प्राइस नॉर्मल है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और 2 BHK की प्राइसिंग की बात करें तो उनका क्या रहेगा? सर उसका टॉप फ्लोर है 2690 का, फर्स्ट फ्लोर है 2790 का और ग्राउंड फ्लोर है 2890 का, लेकिन उसकी ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, 1-1 लाख रुपया हम नेक्स्ट मंथ से ही रिवाइज कर रहे हैं 2 BHK में। अच्छा, 1-1 लाख रुपया जो रिवाइज कर रहे हो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे, थोड़े से हमारे जो कस्टमर है वो इजीली समझ सके इस बात को। हाँ जी, जैसे अभी 2690 का टॉप फ्लोर है। हाँ जी, तो हम 2790 का टॉप फ्लोर कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। ओके ओके, तो अगर जो वो कोई इसी महीने परचेज कर रहा है तो उसको नेक्स्ट मंथ से ही 1 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है,
तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। तो गाइज आपने देखा 2BHK 1BHK फ्लैट और बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अंडर कंस्ट्रक्शन, और आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हो और पार्किंग की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सारे बेनिफिट्स के साथ आपको शायद ही इस एरिया में आपको कोई ऐसे फ्लैट्स मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, कॉल करें, अपनी क्वायरीज को क्लियर करें। प्राइसेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कॉल कर लें, और भी अगर कोई भी मन में आपके क्वेश्चन है तो बिना कोई मतलब सोचे समझे आप कॉल करके अपनी सारी क्वायरीज को क्लियर करें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैम आप क्या कहना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए इनको? जरूर जरूर, तो कमेंट जरूर कर देना। सपना मैम ने आपको अपने सपने का घर दिखाया, तो कमेंट जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए राइट टाइम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।